जिले में 122 केंद्रों पर धान की खरीदारी की जा रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 122 केंद्रों पर धान की खरीदारी की जा रही है, इसलिए सभी किसान पहले धान को सुखा लें, क्योंकि कोई किसान क्रय केंद्र पर गीला धान लेकर आता है तो क्रय केंद्र को वापस करना पड़ता है या वहीं उसको फैलाकर सुखाना पड़ता है, इसलिए सभी किसान साफ सुथरा व सूखा धान लेकर आए। कोई भी किसान किसी बिचौलिए के चक्कर में न पड़े व सीधा क्रय केंद्र पर जाकर धान को बेच सकता है। उन्होंने कहा, अभी धान की कटाई प्रारंभ हुई है, अभी तक 4000 कुंतल तक धान की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद में धान खरीद को लेकर के 1 नवंबर से हमारे यहाँ धान खरीद प्रारंभ हो गई है और अब तक हम लोगों ने 122 केंद्र बना दिए हैं। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि धान अभी जो उनके खेतों में पैदा हो रहा है उसको एक बार सुखा लें। यदि वो गीला धान ले आते हैं और वहाँ चेक होता है तो उसको एक बार उन्हें या तो वापस करना पड़ता है या वहीं उसे फैलाना पड़ता है। तो यही विनम्र अनुरोध है कि साफ सुथरा और सूखा हुआ धान ले आएँ, किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का क्लेम करता है कि हम आपका धान बिकवा देंगे या ऐसा कर देंगे, तो उसके चक्कर में ना आए, अच्छा धान ले आएंगे तो बिकने से वो नहीं रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक कितनी खरीदारी की है? हमारे जनपद में अभी कटाई प्रारंभ हुई है और मेरा अनुमान है कि 15 नवंबर के बाद धान की आवक प्रारंभ होगी। अभी लगभग 4000 क्विंटल के आसपास ही परचेज हुआ है। धान की आवक धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, 15 के बाद अच्छी खासी मात्रा में धान आने लगेगा।